फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारा मैंने जो है गाजर ले रखा है, और इस आज जो मेरी रेसिपी है वो गाजर का बहुत ही बोल सकते हैं कि सबका फेवरेट और सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग रेसिपी है, और खासकर ठंडे में हर घर में ये जो है रेसिपी बनाई जाती है, जी हाँ, गाजर का हलवा। लेकिन मैं जो इस तरह से गाजर का हलवा बनाती हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट, घर वालों को भी बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी ये जो रेसिपी है गाजर का हलवा, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने करीब 2 kg के करीब जो गाजर लिया था, और इसके जो छिलके जो है ऊपर के बिल्कुल वो पतले पतले जो है मैंने उसको निकाल लिया है, क्योंकि उसके अंदर जो है थोड़े थोड़े मिट्टी जैसा पोर्शन होता है, थोड़ा इम्प्योरिटी रहती है उसमें, तो उसको मैंने निकाल लिया है। और गाजर के इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि गाजर जो होते हैं वो मोटे पतले सभी आते हैं, तो अगर छोटे साइज के और बिल्कुल फ्रेश गाजर अगर रहे तो आपको अच्छा है, क्योंकि जब हम इसको क्रश करेंगे तो वो नर्म रहेगा तो अच्छे से क्रश करने में नहीं बनेगा। तो थोड़ा फ्रेश गाजर यूज़ करें अगर हलवा के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और स्वादिष्ट भी बनता है। और इसके जो है जैसे ये गाजर, ये देखिए जैसे मोटा पोर्शन है, तो इसके जब बीच से तोड़ेंगे आप तो आप देख पाएंगे कि इसका जो बीच वाला ये पोर्शन है ये हमें यूज नहीं करना है, इससे जो है हमारा गाजर बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हमें जो है सिर्फ इसके ऊपर वाला जो रेड वाला पार्ट है गाजर का, हमें वही उस तरह से यूज करना है। तो इसको किस तरह से हमें यूज करना है, और यहाँ से जैसे इस तरह से ये लिया हमने गाजर, और गाजर को हमने ग्रेट करने के लिए जो है सबसे बड़ा साइज का जो ग्रेट का ये है साँचा है वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है गाजर को इस तरह से लेना है, और हमें बिल्कुल जो है इस तरह से इसका ऊपर वाला जो भाग है इस तरह से, ताकि ये जो गाजर का जो हम रेड वाला पार्ट है वो हम आसानी से ले सके। इसे तीछा करते हुए आसानी से, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन ये लाजवाब रेसिपी है, हर कोई बनाते हैं, और बहुत ही बढ़िया परफेक्ट जो है गाजर का हलवा कैसे बनेगा उसकी रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ। तो जरूर इस वीडियो को पूरा आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से जो है, देखिए इस तरह से जो है आसानी से बिल्कुल जो है इस तरह से ये ग्रेट करने के बाद जो है गाजर जो है करीब 1 kg के इतना ये गाजर है। तो अब जो है चलिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई को रख लिया है और गैस फ्लेम को ऑन कर देंगे। पे जो घी है करीब जो है 50 ग्राम इतना जो है घी जो है हम यहाँ पे डालेंगे। ये 100 ग्राम का मैंने डब्बा लिया है, तो करीब जो है 50 ग्राम जो है घी अभी जो है हम ले लेंगे। और ये जो है बादाम है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक इस तरह से काट लिया है, तो ये हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, इसे रोस्ट कर लेंगे। बादाम जो है बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, तो अभी से जो है हम निकाल लेंगे। घी में जो है हम ये ग्रेट किया हुआ जो गाजर है वो हम डाल देंगे। तो ये 5 से 7 मिनट देखिए भुनने के बाद जो है इसे गाजर डालने के बाद इसका कलर भी चेंज हो रहा है, और ये थोड़ा क्वांटिटी में कम भी हो गया है। ये जो गाजर की क्वांटिटी है ग्रेट करने के बाद जो है 1 kg के करीब था ये, तो इसमें जो है दूध जो है बहुत लोग इसमें जो है खोया यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ये फुल क्रीम दूध है, तो ये फुल क्रीम दूध जो है करीब जो है ये 600 ग्राम के बराबर है। तो इसी दूध में जो है अभी हम धीमे धीमे आंच पे जो है ये पकाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे जो है फुल क्रीम यूज किया है, आप नॉर्मल दूध भी यूज कर सकते हैं। और ये धीरे 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 जो है इसके अंदर पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। देखिए इसकी जो है क्वांटिटी भी कम हो रही है, और जो गाजर का जो कलर है धीरे धीरे और कलर अच्छा आता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर, जो जैसा गाजर का कलर होता है वैसे ही आ जाएगा। ये करीब 40 मिनट्स के बाद ये इस तरह से जो है गाजर आपको दिखेगा, और देखिए दूध जो हमने डाला था वो पूरी तरह से सूख गया। ये चारों तरफ से हम जो है इसकी जो दूध की मलाई है जो चारों तरफ से अच्छे से जो है हम इसे निकाल लेंगे, और इस तरह से ये देखिए बिल्कुल जो है दूध इसके अंदर जो है पूरी अच्छी तरह से जो सूख गया है। अब ये अभी भी थोड़ा थोड़ा ये जो है सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। अब इसी वक्त जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेट करने के बाद गाजर जो है हमारा था 1 kg था,
और दूध हमने 600 ml जो है दूध यूज किया था। तो दूध का आधा जो है चीनी है 300 ग्राम, तो वो हम यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो गाजर का हलवा का एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ज्यादा मीठा भी नहीं होगा और ज्यादा मतलब बिल्कुल जो गाजर का जो परफेक्ट रेशियो है वो यही है कि 600 ग्राम आप दूध यूज करें और उसका आधा जो है 300 ग्राम जो है चीनी यूज करें, तो आपका जो गाजर का जो टेस्ट है, जो मिठास है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, गाजर का जो एक नेचुरल कलर है बिल्कुल उसी कलर में आ चुका है, तो बिल्कुल जो हलवा जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पे जो है लास्ट के कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना हम जो है घी और डालेंगे, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबल स्पून डालना है घी और इसे जो है अच्छे से हमें चला लेना। और ये थोड़ा सा हम गीला गीला सा ही रखेंगे क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और बिल्कुल ड्राई सा अगर हलवा हो जाता है तो थोड़ा जूसी अच्छा नहीं लगता। तो इसी कंसिस्टेंसी में जो है आप हलवा को रखें तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे 2 इलायची कुटी हुई है, मैंने ब्लैक कार्डमम जो है वो यूज किया है, आप चाहे तो हरी इलायची भी यूज कर सकते हैं। तो उसको इस तरह से हम डाल देंगे और ये जो है हमने बिल्कुल जो घी में है ये ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल, अगर चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डालें, बट मैंने थोड़ा ही यूज किया है। तो अब जो है इसके चारों तरफ से जो है अच्छे से जो है हम एक बार चला लेंगे। जैसे फ्रेंड्स, हम गाजर का हलवा बिल्कुल जो है तैयार कर लेंगे, सर्व करने के लिए रेडी कर लेंगे। तो आप इसे सर्दियों में गर्मा गर्म खाएं या ठंडा खाएं, फ्रेंड्स ये जो है परफेक्ट गाजर का हलवा जो है, आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से ये बहुत ही खाने में टेस्टी और यमी लगता है और काफी दिन तक आप जो है इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।